हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो वी के राज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं टेराबॉक्स क्लाउड ऐप के बारे में। जी हां दोस्तों, यह ऐप क्या है, कैसे यूज करते हैं, सारी डिटेल पर हम बात करने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले इसको प्ले स्टोर पर सर्च कर देते हैं और उसके बाद इंस्टॉल कर लेते हैं और ओपन करना है। ओके, चलिए ओपन कर देते हैं इसको। 50 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं, अब आप समझ सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1024 GB आपको स्पेस मिलेगा, आप चाहे जितना भी फोटो वीडियो स्टोर करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, तो आप गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा। साइन अप लॉगिन एक साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप है, तो इसको डिसेबल कर दीजिएगा, नहीं तो ये इनेबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बैकअप ले लेगा। ओके, आस्क मी लेटर, तो आप जब चाहोगे तभी ये बैकअप लेगा। ओके, स्किप करते रहिए, यहाँ पे देख सकते हो स्किप, और दोबारा से स्किप मैं कर देता हूँ। और स्किप करने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपना फ़ोटो वीडियो ऑडियो फाइल जो भी है आप यहाँ पे अपलोड कर पाओगे, और अपलोड करने के बाद उसको कभी भी आप स्टोर कर पाओगे अपने फ़ोन में, दोबारा ला पाओगे। बस आपका ईमेल आईडी जो है रजिस्टर किए रहेंगे आपके पास होना चाहिए। ओके, यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, देख सकते हो फाइल पे यहाँ बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक फ़ोटो बैकअप, इसको हम ऑटोमेटिक नहीं रहने देते हैं। और एल्बम पे जाते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, और राइट में शेयर का ऑप्शन है, तो आप अपना फ़ोटो या वीडियो कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, लेकिन आपके पास वो अपलोड होना चाहिए, यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, तो आप कोई भी वीडियो इस पर अपलोड कर सकते हो। ओके, आपका स्टोर हो जाएगा। अब चलिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आप समझ पाएँ। एल्बम पे जाता हूँ, सेलेक्ट एंड अपलोड फ़ोटो, तो गॉट इट पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे परमिशन देता हूँ, और उसके बाद आप अपने गैलरी से जो भी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना चाहो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ से वो फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मुझे अपलोड करना है। ऑल फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, और यहाँ से आप जहाँ पर भी रखे हैं फ़ोटो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो ये वाली फ़ोटो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर लिया हूँ और अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपलोड लिखा हुआ है, इस पर जस्ट क्लिक कर देना। ओके, और ये यूज कलर डाटा, तो आप अपने कलर डाटा को ऑन कर दीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ओके, ये फ़ोटो देख सकते हो मैंने अपलोड कर दिया। अब मेरा फ़ोन यदि खो भी जाता है तो उसको मैं दोबारा बैकअप कर पाऊँगा, लेकिन मेरे पास ईमेल आईडी और अकाउंट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब इस फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी कहीं पे भी। ओके, तो कुछ इसी तरीके से आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।